तो दोस्तों, 1 तारीख की रात को मैं निकल नहीं पाया था शाम को, लेकिन आज है 3 तारीख, कल जनेऊ हो गया है भांजे दक्ष चौहान का। तो अभी मैं अब निकलूँगा हल्द्वानी को, मेरी बाइक से निकलता हूँ और रास्ते में भी देखते हुए चलते हैं कि किस तरीके का जो है मौसम का हाल हुआ था परसों, कितने पेड़ टूटे, कितने क्या हुआ, रास्ते में भी देखते हुए चलते हैं। तो मुझे पहुंचना है टाइम से, तो हम बढ़ते हैं फिर आगे। अब सीधे से आगे को हम निकल चुके हैं, और पिछले कुछ दिनों से रोज़ दिन से शाम के बीच में आंधी तूफान का जो माहौल बन रहा है, हल्की बारिश का भी, तो इससे कितने पेड़ भी टूटे हुए आप देख सकते हैं। ये पेड़ एक टूटा हुआ है और ऐसे ही अभी बहुत सारे पेड़ हमको दिखाई देंगे आगे। तो आगे चल करके देखते हैं, जहाँ पर ऐसी स्थिति होगी, कुछ चेंजेस होंगे रास्ते में, तो मैं आपको दिखाऊंगा चलते चलते। यहाँ पर भी एक पेड़ गिरा हुआ था, तो इसको अभी साइड कर दिया गया है। और ऐसे ही रास्ते पर बहुत से पेड़ गिरे, और जिससे कि कुछ दिनों तक हमारे उधर बिजली भी बाधित रही, बिजली उपलब्ध हम लोग को नहीं हो पाई, और हमारा जो काम था मकान का, वो भी इस वजह से रुक गया है। दोस्तों, ऐसे पेड़ जगह जगह पर गिरे हुए हैं, और जिन्होंने जो हमारे पहाड़ का जो आवागमन है वो बाधित किया हुआ था। दोस्तों, ऐसा मौसम हो रहा है कि कड़क ही उदासी और एक धूम पड़ने वाली जैसी हो रही है, जैसे कि नींद आपको आती है। तो अजीब सा माहौल है, गर्मी एक तरफ गर्मी है, कहीं आग भी लगी होती है, और कहीं आधी तूफान ठंडा गर्म कर लगा करके इस मौसम में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है लोगों की। पिछले कुछ दिनों से अपने को भी ऐसी एहसास हुआ, क्योंकि घर के चक्कर में सही से सिस्टम कुछ होता है, तो इससे सारी चीज़ें दोस्तों गड़बड़ा जाती है, और फिर आपका शरीर जो है फिर टूटता है जब आपका काम पूरा होता है। लेकिन इस बात के लिए खास तौर पर आपको तो दोस्तों, अभी तो काफ़ी टाइम तो नहीं है, अभी 12 से 11, 11:30 हो गए हैं, लेकिन जो गर्मी है, जो उमस है, उसके वजह से नींद का जैसा भी माहौल हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगे कि कभी आप सफ़र पर हैं और माहौल बने नींद का जैसा, तो कहीं पर गाड़ी रोक लें और थोड़ा आराम कर लें। थोड़ी ज़रूर हो जाएगी देरी आपको, लेकिन ज़िंदगी जो बहुत कीमती है वो ज़रूर बच जाएगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और आगे को देखेंगे कि क्या स्थिति रहती है, नहीं तो कहीं पर पानी जगह वाली जगह पर रुकेंगे, थोड़ा मुँह हाथ धोएंगे फिर, वरना आगे की बढ़ेंगे हम। फिलहाल यहाँ से बढ़ते हैं आगे को, वरना हमें हो जाएगी बहुत ज़्यादा देर। और अभी तो 11:30 हुए हैं, तो हम पहुँचे हैं अग्नियाड़ी पर। पानी के पीछे क्या है, तो पानी
तो दोस्तों आजकल काम का इतना बर्डन है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही, और अब रास्ते में जो है चलते हुए भी नींद आ रही। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं झलोड़ी पर, तो यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर एक धारा भी है, तो सोचा अब थोड़ा पानी पी लें और थोड़ा मुंह भी धो लें, थोड़ा सा ताजगी ताकि आ जाए, वरना थोड़ी देर कहीं है वैसे आराम करना पड़ेगा और बड़ी मुश्किल होती है ऐसे में। इधर धारा इधर भी बना है और एक यहाँ भी है धारा। तो दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है जब आपको ऐसे चलते हुए नींद आती है, चाहे कार हो या फिर बाइक हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिलहाल चश्मा भी अभी को लगाता हूँ, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, काफ़ी दिनों से काफ़ी काम की व्यस्तता के कारण। तो थोड़ा दोस्तों इधर ही है ये, जहाँ पर यही जगह है जहाँ पर गाड़ी के ऊपर जो पेड़ गिरा हुआ था, अभी तो सब साफ हो चुका है लेकिन, और ये नज़ारा भी बहुत, यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक है ये रास्ता, यहाँ से दिखता कुछ नहीं है। तो इधर रास्ते में इन्होंने जो है अपना फेंस लगा रखी, फेंसिंग कर रखी है, तो ये भी सही है क्योंकि रोड है, रोड के किनारे इस तरीके से फेंसिंग करेंगे आप तो जो गाड़ियाँ हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई आगे वगैरह दिखता है नहीं कुछ। तो दोस्तों इधर भी टूटे हुए पेड़ ये दिखाई दे रहे हैं आपको पूरा बहुत ज़्यादा, ये परसों के आंधी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इधर। तो ऐसे दोस्तों चीड़ के घने जंगल हैं, इन जंगलों से
होते हुए फिर गड़वा बर्तन आ रही खेत को, और जब ऐसे तेज अंधड़ वगैरह चलती है तो तब ज़्यादा डरावना का माहौल हो जाता है। ये देखिए जगह जगह पर ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे इधर पहाड़ों में। ये तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड साइड के दिखा रहा हूँ, तो रोड साइड से हट कर है वो तो, और अगर बहुत ज़्यादा रोड साइड से हट कर भी है दोस्तों। इधर को भी दिख रहे पेड़, कोई हाथे से टूटे हैं, कोई पूरे जड़ पर लेटे हुए हैं जमीन पर, ज़्यादा जो नुकसान हुआ था उस दिन। ये देखिए आप, अरे वहाँ भी टाइम कहाँ मिल रहा है ऐसे, मेरे को तो बिल्कुल बहुत ही टाइम भी वो नहीं हो रहा है ऐसे, बहुत ही पहले चले जाते हैं तो हल्द्वानी चल रहे हैं, जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, फिर क्या चलते जाना है यार, फिर तीन चार बजे प्रोग्राम है ना उनका, जेन्यू करवाया बांधे का तब, तो इसलिए मैंने पहुँच फिर जो है जाम जैसा दिख रहा है इधर भी।
तो दोस्तों झूम जो है नहीं हो रही कम अभी, ये आंखें जो है का थोड़ी देर रुकते हैं का काम चल रहा है, तो काफ़ी दूर से जाम लगा हुआ है दोनों तरफ को चलने करने, तो एक साइड से रोक रहे थे, काफ़ी लंबा जाम ये था। अभी गर्म पानी के बाद अभी इधर चल रहा है काम, ये डामर का। कैंची धाम पर भी काफ़ी जाम लगा हुआ है, तो यहाँ तक तो काफ़ी दिख रहा है क्योंकि बसें वगैरह आ रही हैं, इधर उधर से गाड़ियाँ लगी होंगी काफ़ी, और गर्मी से हाथ जो है जल गए हैं, जलन होने लगी है हाथों में। ज़्यादा जाम है दोस्तों, है कर दो तो आप
श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ है और इसी वजह से जो इधर जाम लगा हुआ है, जबकि पार्किंग भी काफ़ी है, लंबी चौड़ी पार्किंग भी है। पुलिस लगी हुई है श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए भी। भीड़ पूरी फुल है और भीड़ की ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और वैसे भी गर्मियों में सीज़न होता है पहाड़ों में घूमने का, तो यहाँ की ठंडी हवा खाने के लिए लोग बाग आते हैं, लेकिन खुद जो आने जाने का है लोगों का, वो सारे लोग इस पे जो है परेशान होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर बन रही हैं, अब ये टूरिस्ट प्लेस हो गया है रोड पर धीरे धीरे। कैची धाम कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ, कितना देखे दूर दूर तक का। अभी हम कैची से बाहर नहीं निकल पाए, कैची धाम से ऊपर नीचे पूरा जाम ही जाम है, नीचे भी पूरा जाम है और ऊपर को भी। अभी तो काफ़ी लंबा जाम है दोस्तों, यहीं से दिख रहा है कि उधर तक है। ऐसे जाम में आदमी जो है पागल हो जाएगा अगर गाड़ी पर है तो। हम तो बाइक पे हैं, थोड़ा सा मौका मिल जा रहा है आगे बढ़ने का, लेकिन गाड़ी वालों के लिए बैठा रहना पड़ेगा और घंटों का जाम जो है। अब यहाँ 1 किलोमीटर ऊपर आ गए कम से कम यहाँ से, अब जाम जो है नहीं लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी हैं तो हमारी साइड में थोड़ा जाम रहेगा, तो जगह मिलने पर फिर आगे बढ़ा जाएगा। और फिलहाल काफ़ी तो दोस्तों अब होने वाला भवाली शुरू लगभग, और यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक है, ठंडी हवा है, तो थोड़ा सुकून यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भवाली के बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों भवाली शुरू हो चुका है और यहाँ भी पूरा जाम दिखाई दे रहा है। अभी देखो कहाँ तक ये जाम रहता है, फिलहाल काफ़ी जाम है पहाड़ में हर जगह दोस्तों, लगभग जाम है। अभी इस वक्त हमें भीमताल में और जाम 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 पूरा भीमताल पल्लीताल में भी जो है जाम ही जाम है यहाँ से भवाली। दोस्तों गर्मी जाम और नीत ने खूब परेशान किया आज, और अभी हम पहुँचे छरड़ी पर, तो यहाँ थोड़ा सा मुहा धोएंगे और